ऑल राइट गेमर्स, आज आज मनीष माइंड गॉग को कैसे याद आ गया अपने चैनल के बारे में? तो मैं तुम्हें बता दूं गाइस, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट चैनल पे वीडियोस नहीं आ पा रही क्योंकि मेरे बॉस के एग्जाम चल रहे हैं। आई ट्राई माई बेस्ट बट आई कैन डू माई बेस्ट। यू अंडरस्टैंड वट इज आई मीनिंग? भाई पेपर चल रहे हैं, फेल वेल हो गया ना घर वाले निकाल देंगे, तो समझ जाओ तुम। मतलब चैनल पे वीडियोस बहुत कम आ रही है, 2 महीने से मैं चैनल पे आया नहीं हूँ, 6 महीने मुझे यूट्यूब करते हुए हो रहे, और 73 सब्सक्राइबर्स हुए अभी मेरे, और 72 हो गए कल। तो कौन सा सब्सक्राइब कर रहा है यार, सब्सक्राइब कर दो यार। मतलब तुम्हें करना है तो करो यार, बाहर में जाओ यार तुम लोग। और मैं बताना चाह रहा हूँ, ये गेमिंग वीडियो नहीं होने वाली है। इतने दिनों बाद आया हूँ, क्या लग रहा है क्या करूँगा मैं? थंबनेल वंबनेल देख के तो तुम्हें पता चल गया होगा मैं क्या करने वाला। तो हाँ, मैं करने वाला बीस्ट बॉय सुप को रिव्यू, मजाक कर रहा हूँ भाई। उससे भी ओजी क्रिएटर है एक, सैमन सेस करके, वो खुद हाई बनने से बाहर आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बाहर आ जाऊँ हाई बनने से। तो लेट्स बिगिन। 33 मिनट की वीडियो है ये, यू बिलीव गाइस, 33 मिनट की वीडियो है ये, दिस इज सो लॉन्ग। उपेंद्र जोगी, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? I'm so beautiful, so elegant, just looking like a wow. लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। बैट का ग्रिप निकाल के ना। What is all the ladies all heard me? मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। In my mind, I was committed to him. मैं इंसान, दर्द मुझे भी होता है। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक। I understand that there is a problem in the pronunciation of casual. But apart from that, understand that. Why should it be a meme material? Should it be a meme material? Why? सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है कि रेलविज भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? बच्चोदी मत कर लोड़े। ये बहन का पड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। तुम दोनों की महिला को ऑब्जेक्ट बना दो। मेरे पूजा के लिए औरत पैदा हुई है, मैं इससे कैसे बचा? नहीं नहीं नहीं, जरूरत है मेरे जैसे क्रिएटर्स की जो बेखौफ ओपिनियन रखते हैं सोशल मीडिया। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दाती करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दाती करेगी। पानी 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 पीना है। ओ अंकल जी, भाई कितने सारे मीम लगाए सैमन ने, जरूर किसी इंस्टाग्राम का कॉपी किया होगा सैमन ने, मे बी। यस, वी रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट मीम अवार्ड। ये आईमा बहुत जल्दी नहीं आ गया 2024 का? आजादी के 76 साल में 2023 वॉज द ग्रेटेस्ट ईयर फॉर इंडियन मीम्स एंड व्हाई नॉट आफ्टर ऑल इट वॉज 2023, 2+0+2+3, द मैसेज इज क्लियर। नॉर्मली मैं हर साल मीम्स को देखकर डिसअपॉइंट होता हूँ लेकिन इस बार ऑल द मीम्स आर लुकिंग लाइक अ वाओ। इस बार आयमा बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम इसलिए लगा बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट आयमा एवर। बेस्ट मीम के कैटेगरी में तो 50 नॉमिनेशंस थे इस बार और मैंने जो गूगल फॉर्म का लिंक डाला था उसमें 21,000 से भी ज्यादा वोट्स आए एंड वी ऑल्सो हैव सम स्पेशल गेस्ट, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। और एक बात बताओ, एमी अवार्ड जनवरी में होता है, ग्रैमी अवार्ड फरवरी में होता है, ऑस्कर अवार्ड मार्च में होता है, तो फिर आयमा अवार्ड थोड़ा लेट आया तो क्या प्रॉब्लम है? चलिए आयमा का इनॉग्रेशन करते हैं विद द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द इवनिंग, द बेस्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड ये आयमा 2023 क्यों बोल रहा है? आयमा 2023 पहले आ चुका है गाइस, लेट मी शो यू गाइस। स्टूपिड साइमन, वेस दिस, What the fuck? ये रहा नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये था ना आईमा 2023
I don't understand. Is this a joke? ये 2000 आई डोंट अंडरस्टैंड ये 2022 है यार. तो मैंने अभी कौन सी वीडियो देखी थी सैमन की भाई? मैंने सैमन की कोई वीडियो देखी आईमा वाली मुझे याद है. आई एम लिटरली कंफ्यूज. मैंने देखी थी भाई सैमन की वीडियो. आई डोंट रिमेम्बर. आई डोंट अंडरस्टैंड. लेट वॉच इट. पॉलिटिकल मीम. इनफैक्ट फॉर दिस कैटेगरी आई वुड लाइक टू रीनेम आयमा. आईफा की तरह आयमा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन मीम एकेडमी अवार्ड्स. तो इसीलिए अब से हम आयमा को इबमा बुलाएंगे. नो द फैक्ट इनके पास सनग्लासेस है. इन दोनों के पास ग्लासेस है. सो व्हाई आई विल नॉट वेयर माय ग्लासेस एज वेल. आई एम लुकिंग लाइक अ काउ. आई नो डोंट वरी हम इसे अगले कैटेगरी तक भूल जाएंगे. बेस्ट पॉलिटिकल मीम और मोदी जी ना हो ऐसा हो सकता है. लेट्स सी. काफी चला भाई बिजी हूँ. आजा भाई सुत्ता मारते बिजी हूँ. आदि ओके आदि फ्री टुडे नो. ओह नो राहुल गांधी आपके दिमाग में. मैंने मार दिया उसको. वो है ही नहीं मेरे माइंड में. है ही नहीं. दर्द मुझे भी होता है लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं. नहीं हम लोगों ने गरीबी देखी. हम 24 साल तक बिचलेस थे. 24 साल तक बिचलेस थे. हमने गरीबी देखी है. चलना. अरे भाई एक रुमाल देना मनीष. जिंदगी में चलना तो वरना. मनीष. हाँ मनीष बोला इसने. अरे भाई एक रुमाल देना मनीष. ले लो सर रुमाल. मेरे पास रुमाल. मेरे पास रुमाल नहीं है. जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल. नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहो. So many snacks, so little time. Gautam Adani, who is behind Heidelberg, the research firm target the Adani Group? Gautam Adani, to acquire SEBI. Ab kar lo investigation. Gautam Adani. And the IBMA award for the best political meme goes to... Let me guess. Melanie! Let me guess, Melanie. Melody. Yeah, boys. I know the fact. Melanie is my baby. आप सभी ने जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ. थैंक यू साइमन सेज फॉर दिस आईमा अवार्ड. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोदी जी. इलेक्शन हो या मीम अवार्ड्स हो आएगा तो मोदी ही. मोदी जी हर जगह आ जाते. यूट्यूब फैन फेस्ट में भी आ गए. सब्सक्राइब करें. बेल आइकन जरूर दबाइएगा. ये कम्युनिटी के लिए. गाइस लेट मी टेल यू द फैक्ट. सब्सक्राइब राइट नाउ माय चैनल. बहुत बड़ी बात है. बहुत प्राउड की बात है. एंड दैट इज व्हाई वी हैव द नेक्स्ट कैटेगरी द बेस्ट यूट्यूब मीम. आज मूड नहीं कर. यार मेरे बगल वाले भी 11-12 बजे होंगे. मेरे बगल वाले मुझे इतनी गालियां बकरे होंगे ना सोने नहीं दे रहा है. सॉरी गाइस.
इसे कल देखते हैं इस काम को, अभी क्या है, नहीं कर अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई, हम पे तो आई नो भाई सेम बाद में ऐसे उसके लिए बोलना चाहूंगा जहाँ पे मुझे दिख जाता है ना, हम पे तो आई नो लुईस यादव बिग बॉस की ट्रॉफी जीत गया, लेकिन आयमा की ट्रॉफी जीत पाता है या नहीं, लेट्स सी। एंड द बेस्ट यूट्यूब मीम गोज टू बाला फॉर अ रीजन। वाई बाला Why Bella? क्यों? और मीम्स नहीं है, सिस्टम हैंग कर दिया तुमने। Why don't system? Why do you don't choose system? We all want system. We don't want Bella. We want system. My system got hanged. My system got down. My system got break down. अब अर्पित बाला का नाम ले ही लिया है तो ये भी बता देता हूँ कि अर्पित बाला has also won the IMA award for the best meme personality. I don't know. Why Bala become so mainstream? I don't know. Sonu IS kid would be best meme personality. Why would Bala? Why you guys all biased? We want Bala? I don't know guys. What are you doing guys? Bala is YouTube. Bala just bitchless Bala. Understand? Bitchless Bala. You fucking guys stupid guys. Bhai yahan pe kya ho raha hai? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं? वाओ, दो दो आईएमए अवार्ड्स, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस टू अर्पित बाला। व्हाट बाला डूइंग हट्टी कैसे मार रहा है ऑन स्ट्रीम? आई डोंट एनकरेज दिस थिंग्स इन माय स्कूल। आई लाइक दिस यू सैमन, यू डू दिस, यू बेटर, you're going our society to betterment. Oh, I'm so sorry, galti se gir gaya. I love you Simon. Iske ab mujhe bolna nahi hai abhi. Unfortunately main Arpit Bala se Aima ke liye video bite nahi le paya because of ego issues. Mere ego issues नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दो दो Aima award देने की क्या जरूरत थी, बेस्ट मीम पर्सनालिटी किसी और को। Of course Sonu ke prefer Sonu kid, he is a gentleman. He is my genitals. Hatti wale bhaiya, he is Arvind mera saathi. Isko deserve karta, ye deserve karta. Isko kyun nahi mila? Isko de sakta. I don't understand things, yaar. And in my opinion, हमारे जो आज के guest performer है, he was one of my favorite meme personalities of the year. IMA में हमें साक्षात दर्शन देने आ रहे हैं. दर्शन? दर्शन कौन है? What is love? Baby, don't hurt me. No more.
I don't know what is love, but I know the next category. The next category is the best international meme. I think, in my opinion, there is nothing we can do is the best international meme. Let's see who will win. The best international meme goes to Robert Pattinson honest reaction meme. Who is Robert Pattinson? I reached out to Robert Pattinson and this was his honest. I know the fact. Kids are dying to make her videos. His videos. I don't know what I have to pronounce. I don't encourage LGBTQ. Oh, sorry. LGBTQ. I will blur that part later in editing. Why this man? He just do nothing. We can nothing do that. Reaction on winning the best international meme. मैं मजाक कर रहा हूँ कि मैंने एक्चुअली रॉबर्ट पैटिनसन को कांटेक्ट नहीं किया इसके लिए. आई वाज जस्ट किडिंग. और किडिंग से याद आया, इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट कैटेगरी, द बेस्ट किड्स मीम. क्या जीनियस सेगवे मारा है मैंने. जीनियस से याद आया, स्टीफन हॉकिंग, ही वुड लव दिस कैटेगरी. द नॉमिनीज फॉर द बेस्ट मिड किड्स मीम आर I don't like the fact एक बच्चा पानी मांग रहा है and वो अंकल उसको पानी नहीं पिला रहे. Let's move on. Why is so cruel? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आई कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन. वो कह रही कि आप मम्मी का ध्यान नहीं रखते हो. पर मैंने खट्टी टॉफी खाई है. ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है. मतलब ये मैंने साथ पहले देखा है. मैंने पूरा नहीं देखा होगा क्योंकि खट्टी टॉफी खाई है मेरा मेरे बहू. इसको सिखाओ बड़ों को सलाम करे करे. ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है. भाई बुड्ढे को मारो यार, कवर में है बुड्ढा. ये मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ. करके नहीं दिखाता. फिर कुछ भी नहीं करता. डरने से क्या फायदा है? एक दिन वी लाइक सोनू. यू लाइक सोनू. दिन किसी को सबको मरना है. गद्दारी कर बे. हेले हेले. इनकी आवाज नहीं आ रही. इन माय ओपिनियन आई डोंट नो किसको विन करना चाहिए. ऑल आर गुड कंटेस्टेंट बट देयर ओनली वन विनर इन आईमा. सो लेट्स सी हु विल बी विनर. आई एम नॉट गोना गेस. आई नो द फैक्ट दे विल हर्ट. किसको ना हर्ट बाय माय प्रेडिक्शन. That's why I'm not going to predict who will win. Let's see who will win. The winner of the I'm a best kids meme is... I? I? Hindi. Ye batao, kaun sa subject acha lagta hai? I? Kaun subject acha lagta hai? Vegan. बच्चे मीम बन रहे लेकिन मैं बुढ़ा हो रहा हूँ. मेरे पैर दुख रहे हैं. मैं 2 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ. आदित्य तब तक आजा, अपना परफॉर्मेंस कर ले. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आदित्य. आई नो द फैक्ट्स. आई नो साइमन ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है. साइमन ने अपनी पुरानी वीडियो को कट कर दिया है. उसने डिलीट, उसने प्राइवेट कर दिया अपनी पुरानी आयमा वाली वीडियो को. आई डोंट लाइक द फैक्ट. आई डोंट लाइक साइमन ईदर. Donkey died, daddy cried, Inky Pinky Punky, Inky Pinky Punky. Oh.
क्या बात है, huge round of applause for Adit. मतलब I don't know, मैंने just उसने भी किया, मैंने वीडियो नहीं देखी पहले, I'm really saying मैंने वीडियो नहीं देखी पहले, I like Adit. वैसे एंट्री अच्छी थी लेकिन डांस करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था. डांस में जाने का नहीं, इसकी तो उंगली ही टेढ़ी है. Note, it's time for the best meme song of the year. Wow, इस विनर ने तो बाकी सारे nominees को अपनी औकात दिखा दी. कौन है विनर? दफा 406. I don't like this meme either. I don't like. Okay, everybody, we are running out of time. तो इसलिए मैं अगले दो categories के विनर जल्दी से अनाउंस कर देता हूँ. The best animal meme goes to शेर. क्या बात है, आज शेर आईमा अवार्ड जीतेगा. देन वी हैव द बेस्ट बॉलीवुड मीम विच गोज टू दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह. लगता है दीपिका और रणवीर का रिलेशनशिप कैजुअल था. हमारा अगला कैटेगरी पूरे यूट्यूब इकोसिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, यूट्यूबर्स का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, द बेस्ट ई लफड़ा ऑफ द ईयर. और आज पूरे शो में बस इसी कैटेगरी में मेरा नॉमिनेशन है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड. लेट्स टेक अ लुक एट द नॉमिनीज. ये है जिसे सिद्धार्थ यादव नाम के एक यूट्यूबर ने बनाया है, लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़के ने अपना नाम बदलकर सिद्धार्थ से एल्विश कर दिया. अब हो सकता है ये एम्बैरेसमेंट की वजह से किया हो, कुछ लोगों को बड़ी शर्म आती है अपने ही कल्चरल नाम से. अब जैसे उसने मेरे को रिप्लाई दिया, उसने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया, हेट निकाली, उसने मेरे को पर्सनल टारगेट करा, नेगेटिव पीआर करवा रहा है. हां, नेगेटिव पीआर कराना कि एल्विश की इमेज नेगेटिव बनानी है. सर, सच्चे लोगों से आप जीत नहीं पाओगे. सर आप नहीं बच पाओगे. नहीं पाओगे सच्चे लोगों से. संकल्प वर्सेस फिजिक्स वाला. फिर अलग सर, आपने ऐसा क्यों किया? झूठे आरोप. एक सच्चा टीचर का जवाब आपको मिला नहीं है. हमारे बेखौफ जर्नलिस्ट पीपी पुपू. पीपी पुपू इज एन अनबायस्ड जर्नलिस्ट जो सूट पहन के गेमिंग चेयर पर बैठकर अपने बेखौफ ओपिनियन देते हैं. उसने एक महीने पहले बोला था कि मुझे रोस्ट करेगा, लेकिन अभी तक कोई वीडियो नहीं आया. लगता है पीपी पुपू ने पैंट में पीपी कर दी. पिछले हफ्ते उसने ये ट्वीट डाला जिसमें मुझे उसने एकदम भयंकर रोस्ट कर दिया. मुझे एक बात बता कि तुझे एल्विश की गांठ चाटने के क्या बेनिफिट्स मिले. ओके, चलिए देखते हैं विच इज द बेस्ट ई लफड़ा ऑफ द ईयर. आई एम टेलिंग यू, संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा विल विन. एंड द आईएमए अवार्ड फॉर द बेस्ट ई लफड़ा गोज टू संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा. आई नो. आई एम नॉट हैप्पी. पूरे आईएमए में मेरा एक कैटेगरी में नॉमिनेशन था, उसमें भी तुम लोग ने मुझे नहीं जिताया. ये बेस्ट ई लफड़ा, इंटरनेट का लफड़ा, इसमें दो अंकल लोग को जिताने का क्या जरूरत था. You know what? मुझे अभी खबर मिली है कि आईमा में इसी साल एक नया रूल निकला है, और वो नया रूल ये है कि पूरे शो में आई हैव वन वीटो पावर, और इस वीटो पावर के अनुसार मुझे पूरे शो में एक रिजल्ट चेंज करने का मौका मिलता है. मैं सोच रहा था कि मैं पावर बेस्ट मीम अवार्ड के लिए सेव करूं, लेकिन आई थिंक आई वुड लाइक टू यूज इट राइट नाउ. उसी इस कैटेगरी का जो विनर है विवेक महेश्वरी वर्सेस संदीप बिंद्रा. जब मैं नॉमिनेशंस की लिस्ट बना रहा था तब ये ई लफड़ा ही था, लेकिन बाद में ये मैटर कोर्ट में चला गया. इन माय ओपिनियन जब कोई ई लफड़ा कोर्ट में चले जाता है. साइमन, मुझे दीक्षा मत, तेरी हिम्मत कैसे हुई विवेक बिंद्रा को, विवेक बिंद्रा को नीचे दिखाने की. तू मिल मुझे पास,
तुझको बताता हूँ, कोई लफड़ा अगर कोर्ट में चले जाता है तो कोई एक दूसरे के बारे में बोल नहीं सकता, हमें कोई अपडेट नहीं मिलता, तो इसमें हमारा क्या फायदा? इंटरनेट का लफड़ा इंटरनेट पे ही होना चाहिए। अगर कोई लफड़ा कोर्ट में चले जाता है देन इट्स नॉट एन ई लफड़ा एनीमोर, इट्स अ सी लफड़ा। एंड दैट इज व्हाई अनफॉर्चुनेटली संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम दिस कैटेगरी। एंड देयरफॉर बाय डिफॉल्ट इस कैटेगरी का जो रनर अप है उसे ये अवार्ड मिलेगा। अब देखो मैं इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं कर रहा, ओके, जो रनर अप है मैं उसको ही अवार्ड दूंगा, ओके। तो थर्ड अंपायर के डिसीजन के बाद द आईएमए अवार्ड फॉर द बेस्ट ई लफड़ा गोज टू साइमन सेज वर्सेस साइमन। तो मुझे वाओ क्या बात है, I definitely was not expecting that one, but I definitely think I do deserve this IMA award क्योंकि मैंने इस award के लिए बहुत struggle किया है। I mean after all मैंने पीपी पुपू के इतने सारे videos देखे और इतने सारे tweets पढ़े। Fun fact, ये लफड़ा पिछले साल नहीं 3 साल पहले शुरू हुआ था जब पीपी पुपू एलविश की नहीं कैरी मिनाटी की पीपुड़ी बजाता था। Oh, this song is lit. कैरी मराठी एक यूट्यूब को अलग लेवल पे ले जा रहा है, यूट्यूब इंडिया को पूरे इंटरनेशनली। पर कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको सामने से चौड़े में कैरी मराठी ने बोला कि तुम मेरी चाटते आए हो, अब जब मौका मिला तो तुमने मुझे गिरा दिया। यू कैन नॉट जस्ट गो ऑल आउट एंड जब मौका मिले तो उसी को मार के उसके ऊपर पकड़ना। तू बोल कुछ ऐसे लोग जो पर्सनल फेवर्स लेने के बाद उस बंदे को जो अधमरा होता है उसको इतना मारते कि वो मर ही जाए। तू मर पहले तो। I'm sorry guys, मैंने कैरी मिनाटी को मार दिया। मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं। वो क्या है, मुझे पीपी बुबू की तरह बेक ऑफ ओपिनियन देना आता नहीं है ना। पहले भाई की चाटने का और फिर भाई को क्रिंज बुलाने का, हाँ? Oh, this song is lit. So as you saw, इसी लफड़े का ओरिजिन। I don't understand. Oh, this. To be very honest, never seen more cringe than this. ये अक्कासु गुप्ता कौन है? ये है कौन? ये बहन का लंदे है कौन? Song is lit. So as you saw, इसी लफड़े का ओरिजिन 3 साल पहले हुआ था और कुछ महीनों पहले तो हमारे बीच में एक बॉक्सिंग मैच भी होने ही वाला था। पीपी पुपू ने मुझे ट्विटर पर बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज किया था। अब मैं ये बॉक्सिंग मैच एक्सेप्ट कर लेता लेकिन मुझे ट्वीट काफी सस लगा। वी बोथ हैव सेम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, ओके फेयर इनफ। वी बोथ आर शॉर्ट हाइटेड, ओके, लेकिन यहाँ तक भी ठीक है। अब इसके तीसरे पॉइंट पर गौर फरमाइए। वी बोथ आर सिंगल। क्या ये फाइट के लिए पूछ रहा है कि डेट के लिए पूछ रहा है? मिथपैट का छोड़ो लगता है इसको, मेरे छोटू में इंटरेस्ट था। पीपी पुपू मैक्सटन की बात सुन लेनी चाहिए थी। चलो ठीक है, अब मेरे साइड से यही लफड़ा खत्म क्योंकि मेरा मिशन अकॉम्प्लिश हो गया, मुझे मेरा आईएमए अवार्ड मिल गया। A huge round of applause for me. By the way, I don't like Simon get IMA because Simon ne cheating kari hai. Sandeep Maheshwari deserve IMA. Understand what I'm trying to say? Simon don't deserve IMA because he cheat the algorithm. Isne YouTube hack kar liya. क्या बात है, दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट मी। सो कांग्रेचुलेशंस टू मी एंड थैंक यू टू मी। एक्सक्यूज मी सीमन सेज व्हाट इंटरफेयर कैसे कर रहे हैं मेरी वीडियो में? नो गश, आप देख रहे हैं बीबो है और अब कुछ नहीं छुपेगा। सीमन को लगता है कि वो अकेले इस अवार्ड को डिजर्व करता है, हाँ? Well, सीमन, don't get too excited. तो जैसे आपको पता ही है, मैं डीकोड करने में माहिर हूँ, तो इजैकुलेट करने से पहले इस सिचुएशन को थोड़ा इवैल्यूएट करते हैं। The fact is that Seaman says could not have done it without me. देखो, मेरे बिना ये लफड़ा हो ही नहीं सकता था। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। So that is why I equally deserve this IMA award for my unbiased, unfiltered and bake off opinions. Thank you everyone who voted for us and thank you to the audience. Aur haan, thank you to Mythpat also. Haan, Seaman says ko apna chotu rakhne ke liye.
ये बुद्धा बहुत बोल लिया मेरे बीच में, मूड ऑफ हो गया। सेम, अनफॉर्चुनेटली ही इज राइट, टेक्निकली पीपी पुपू भी अवार्ड डिजर्व करता है। आई हैव वन बट एट व्हाट कॉस्ट, मुझे पीपी पुपू के साथ ये अवार्ड शेयर करना पड़ रहा है। सैम एंड यू गोट इंस्टेंट कर्मा, यू गोट इंस्टेंट कर्मा, तूने संदीप महेश्वरी का छीना ना, अब तेरा छिन गया सिस्टम, सिस्टम के अंदर आकर सैमन। Anyway, moving on. I know सभी को best meme category का बेसब्री से इंतजार है and we have a very special guest. लेकिन उसके पहले it's time for the lifetime achievement award. इस बार lifetime achievement award हम एक जोकर को देंगे. In fact, he is not just a joker. He is the entire circus. He deserves. I know the fact. ये UK 70 rider होगा. This lifetime achievement award क्योंकि उसने roasters को lifetime के लिए unlimited content provide किया है। He's a rider, provider, Elvish भाई का dick rider। Yes, the lifetime achievement award goes to UK 07 rider। भाई साहब हम लोग जीते, ये मुझे लगता है मुझे अपने 1 million पे भी इतनी मुझे जिंदगी में अपनी कभी खुशी नहीं हुई भाई। Believe that बुबू भैया deserves his lifetime achievement award क्योंकि बुबू भैया के साथ बीबी हाउस में बहुत अन्याय हुआ, बहुत अत्याचार हुआ। हम यूट्यूबर्स माइनॉरिटी है ना, इसलिए टीवी वाले हमें नीचा दिखाते हैं। कहीं ना कहीं वो शो में ना मेरी कम्युनिटी, मेरी प्रो सेना को लेकर के एक मजाक बनाया जा रहा था। मजाक को मजाक की तरह लिया करो। आपको बताए बुबू भैया के साथ क्या क्या हुआ? बीबी वालों ने हमारे बुबू भैया को नेशनल टीवी पे नचाया। मुझे बोला नाच, मैं नाचा, मैं जिंदगी में ना कभी नाचा भी नहीं। पैसे भी तो लिए, बट फिर भी मैंने अपने हाथ पैर फेंकने शुरू कर दिए थे नेशनल टेलीविजन पर। और बताया क्या हुआ? वो लोगों ने हमारे बुबू भैया से वॉक ऑफ शेम करवाया। कैन यू बिलीव इट? उस वीकेंड के बारे में ना एक एक्टिविटी कराई गई मुझसे और उस एक्टिविटी का नाम था वॉक ऑफ शेम। मैंने जब उस वॉक ऑफ शेम को चलना शुरू करा ना तो बाकी घर वाले शेम 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 चिल्ला रहे थे पीछे। जब आप चल रहे हो और आपके पीछे से लोग शेम शेम चिल्ला रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया इस शो में मैंने। और इतना ही नहीं, मुझे बोलने में भी घिन आ रही है, लेकिन उन्होंने हमारे बुबू भैया से उठक बैठक करवाया। बिग बॉस ने मेरे से उठक बैठक लगवाए थे उस शो के अंदर। मेरे से उठक बैठक लगाए गए, मेरे से उठक बैठक करवाई गई, मुझसे वॉक ऑफ शेम करवाया गया। ऐसा लग रहा था कि यार क्या ही जी रहा हूँ जिंदगी। मैं ऐसा लग रहा था कि बस मर जाऊं, बट ये एक्टिविटी ना हो मेरे साथ। वो भैया आपके साथ ये जो अत्याचार हुआ है ना, ये कोई डिस्ट्रैक या फिर कोई एक्सपोज वीडियो से व्यक्त नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि आपको एक बुक लिखनी चाहिए। वो कौन वो? हाँ, वो एन फ्रैंक की बुक से भी ज्यादा बिकेगी। अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा था कि क्या ही कर दिया मैंने। हमारे बुबू भैया के साथ इतना अत्याचार हुआ कि वो 2 करोड़ रुपया देके बीबी हाउस से एग्जिट करने को तैयार थे। और ये 2 करोड़ रुपया उनकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई थी। मैंने अपनी जिंदगी के जो 2 करोड़ रुपए कमाए थे ना, जितनी कमाई कमाई थी, सब दांव पे लगाने के लिए मैंने वो लाइन, मैंने एक चीज बोली कि बिग बॉस मुझे बस घर भेज दो, क्योंकि मैं एक बहुत कॉमन मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। लेकिन शो से निकलने, मिडिल क्लास फैमिली का 2 करोड़ कमाती है क्या? के तुरंत बाद उसने 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी ले ली भाई। एक दो ये सस क्यों हो रहा है मुझे? मैंने रुक जाता, बिग बॉस ठीक से खेल नहीं पाया तो एटलीस्ट विक्टिम का ठीक से खेल लेता। एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये गाड़ी रेंटेड है। वैसे भी इसके खुद का कुछ होता नहीं है। इसने जो डिस्ट्रैक्ट डाला वो भी इसके खुद का नहीं है। मैं खुद को अंडररेटेड बोला था, लेकिन बुबू भैया खुद को गोट बुलाते। ये क्या है? ये इट्स द गोट। गोट एक ऐसी पर्सनालिटी होती है ना जो किस गेम का है, किस गेम का है ये मैंने देखा है किसी गेम के अंदर। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रहती है, जो कभी भी झुकती नहीं है किसी के सामने, यू नो। बट दिस इज द गोट। आई थिंक आपको बिग बॉस में झुकाया गया था। नो द फैक्ट, आपकी झुका के आपको सेम सेम डाल दिया गया था आपके अंदर, यू नो द फैक्ट। आप खुद झुकने पे आ गए थे सुसाइड करने के लिए, नो द फैक्ट। टेंकेलन तू मुझे दिखा मत कर, ठीक है? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ऐसे लोग भी खुद को गोट बुला रहे। आई एम वेरी हम्बल, ओके? मैं खुद को ऐसे कभी गोट बीट नहीं बुलाऊंगा। मैं कोई बकरी नहीं हूँ, ये गोट बहुत मेनस्ट्रीम है। बट यू कैन कॉल मी गोटा, द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। अगर आप मुझे अपना गोटा मानते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो बाय कमेंटिंग साइमन इज माई गोटा।
एंड एज योर गोटा आई होप आपने अगले कैटेगरी में नोटा नहीं सिलेक्ट किया क्योंकि अगला कैटेगरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ द इवनिंग द बेस्ट मीम अवार्ड और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए वी हैव अ स्पेशल गेस्ट नाउ एज यू नो इस चैनल पर एक ट्रेडिशन है कि मैं जिनको रोस्ट करता हूँ उनके साथ कोलैब कर लेता हूँ राइट तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो सिस्टम फाड़ देंगे Before that, let's take a look at the nominees for the best meme. क्या नाम बताएं? भूपेंद्र जोगी. US में कहाँ कहाँ गए आप? भूपेंद्र जोगी. बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं. नाम बताइए. भूपेंद्र जोगी. अरे एल्विस भाई क्या आगे कोई बोल सकता है क्या? Just looking like a wow. सचिन क्या है सचिन में? लपू सा सचिन. एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है. अरे भेड़िया बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट के तीन चार दोस्तों का ये ग्रुप बना लेंगे और उसमें बस ये एक एको चेंबर बना लेंगे एक दूसरे का लंट पकड़ो. कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? वो कोसा की कोसा ओ आ जाओ बता बाबैया हाउ आर फॉर रीजन हाउ आर फॉर रीजन और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट एवरीबॉडी प्लीज वेलकम एल्विस भाई के सबसे बड़े फैन आमिर. मैंने आगे करके देखा था बट मैं पहचान नहीं पाया. ये वही है ना? अरे वही ना ये सिस्टम. क्या उसका हमसे तो आमिर कैसे लग रहा है आयमा में आकर? ठीक लग रहा है. ठीक लग रहा है. क्या बात है आज एल्विस भाई के सबसे बड़े फैन और एल्विस भाई के सबसे बड़े हेटर साथ में मिले हैं. क्या बात है भाई भाई क्या बात है? क्या बात है? साइमन भाई ने हिस्ट्री लिख दी है मालूम है क्या? आयमा में कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. एक बात बताओ आमिर तुमने एल्विस भाई में ऐसा क्या देखा जो साइमन भाई में नहीं देखा? मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं. हम लड़के हैं. देखना है हाँ? दिखाओ क्या? हाँ दिखाओ. Anyway, it's time to announce the winner. The winner of the best meme 2023 goes to Amir. Please do the honors. यही होगा. The IMA Award for the best year memes goes to. अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? वाइब भी नहीं है. वाइब भी नहीं है. वैसे बोलना जैसे तुमने कुछ तो बोला था. इधर क्या हो गया तुझको? साइमन भाई के यहाँ पे बोलेगा नहीं तू. आमिर कैसे लग रहा है बेस्ट मीम अवार्ड जीतकर? बहुत अच्छा लग रहा है. बचपन से मेरा सपना था एक मीम अवार्ड जीतने का जो मैं हासिल कर लिया हूँ. क्या बात है क्या बात. ऑडियंस को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा. उन्होंने मुझे वोट दिया. थैंक यू सो मच ऑडियंस. और मैं बोलना चाहूंगा कि साइमन भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए साइमन भाई. सॉरी गाइस सॉरी सॉरी आमिर मेरे से एक छोटा सा गलती हो गया. आई अंडरस्टैंड. इसको अवार्ड नहीं मिला किसी और को मिला है. आमिर भाई आपको 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 बेस्ट मीम अवार्ड नहीं मिला है. एक्चुअली मेरे से गलती हो गई. आपको आपको बेस्ट मीम नहीं मिला है. आपको मोस्ट ओवररेटेड मीम अवार्ड मिला है. एक्टिंग अवार्ड तो अवार्ड होता है. अवार्ड तो अवार्ड होता है भाई. अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मोस्ट ओवररेटेड मीम ऑफ द ईयर. यही देखने के लिए मैं इतने दूर से आया था. डाउन टू अर्थ बंदा हूं मैं. डाउन टू अर्थ.
ओह हेलो, ये बाकी अवार्ड शोज की तरह नहीं है, किसी सेलिब्रिटी को बुला दिया तो उसको जबरदस्ती अवार्ड दे दिया, ठीक है? ये एक्चुअल लोगों ने वोटिंग की है, ये डेमोक्रेसी है, समझा ना? ए आमिर भाई, क्या आगे कोई बोल सकता है क्या? हाँ आमिर भाई, ये मैंने एलविश भाई के सामने भी बोला है, तो ये आमिर भाई क्या है? हाँ रुक, तेरा सिस्टम हैंग करता हूँ, रुक। हाँ जा, रुक तेरा सिस्टम हैंग करता हूँ। क्या वेल अब मजाक नहीं करूंगा, अब रियल करूंगा। इट्स टाइम फॉर द बेस्ट मीम अवार्ड। सो दिस इज इट लेडीज एंड जेंटलमैन एंड आदित्य, इट्स टाइम फॉर द बेस्ट मीम ऑफ द ईयर। दुख हो रहा है अंदर। ओके, द आईएमए अवार्ड फॉर द बेस्ट मीम गोज टू अर्पित बाला। भाई ये बंदा मुझे याद दिख जाए ना मैं बहुत मारूंगा बहन, जो देखो नहीं बाला बाला। एक ही साल में 3 आईएमए अवार्ड्स जीतकर अर्पित बाला हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अर्पित बाला। मजा आ गया भाई, मजा Thank you, Simon, for giving me these awards. But when are you going to give us consistency? You think you are funny? You think you are bitch? Just kidding. Keeping the jokes aside, I love your work. Keeping your jokes aside. You think you are funny? By giving him insecurities? You think? Think yourself. I love your work. I don't love your work. Nahi yaar, I genuinely really like you. I also like the people that thought ki main sirf hum pe to hai na, ye sab karke yahan tak pahunch jaunga, which I never thought could have been possible. And it just shows कि हमारे यहाँ पे कॉमेडी के क्या स्टैंडर्ड्स रह गए हैं। यस ऑफ कोर्स, तू कॉमेडी करेगा। लव यू ऑल, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस टू अर्पित बाला, वेरी वेल डिजर्व्ड, ही इज वेरी फनी। एक्चुअली अर्पित बाला के इतने सारे मीम्स थे कि मुझे उसके लिए एक अलग कैटेगरी बनाना चाहिए था ना। नहीं, द बेस्ट अर्पित बाला मीम, जैसे हमेशा मेरा कैटेगरी हुआ करता था द बेस्ट साइमन सेज मीम। लेकिन इस बार बेस्ट साइमन सेज मीम कैटेगरी नहीं था, बिकॉज आई वॉज इनकंसिस्टेंट, राइट? कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्पित, एंजॉय योर हनीमून पीरियड। आई हैव बीन देयर, डन दैट, इट फील्स अमेजिंग, बहुत मजा आता है। लेकिन यही लोग जो आज तुम्हारे लिए वोट कर रहे हैं, वही लोग तुम्हें 2 साल बाद क्रिंज और अनफनी बुलाएंगे। सो बी दैट्स माय पॉइंट, दैट्स माय पॉइंट। Prepared for that. That is it for this video. Thank you for watching. GNTCSDSCSTOBC. Wish you happy married life. Bye. See you in the next video. Let me see a speak bar. First of all, thing. I don't understand. मैंने इससे पहले आईमा देखा 2023 वाला। I don't understand. इससे let me show you. इससे पहले एक आईमा था इधर, मुझको जितना याद है। हाँ, इससे पहले एक आईमा था इधर, इससे पहले था कि इससे पहले था, किसी से पहले तो एक आयमत था, मे बी इससे पहले एक आयमत था। साइमन ने उस आयमा को हटाया है, साइमन ने आयमा का खून किया है। साइमन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। साइमन ने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया है। या सर, एक सेकंड, I'm just distracted. I just distracted. Let me say what I say.
साइमन ने खून किया है आईमा का, यू अंडरस्टैंड? साइमन को जेल होनी चाहिए अब. ही हैव बीन मदर टू ऑफ देम, वन विल बी ऑलवेज साइमन एंड सेकंड विल बी ऑलवेज आईमा 2023. I don't see Aima. Where's Aima? I can't see Aima anymore. You can't see me. Guys, आज के लिए इतना ही है. मैं थक गया हूँ भाई सैमन की वीडियो देख देख के भाई, मजा नहीं आया भाई. इससे अच्छा तो स्लिप पॉइंट देख लेता. Just joking. Simon, you are love. You are making my ball ties. You give me ejaculation. That feels wrong. You give me my... I don't understand why. What is this, guys? What is this? So, right, gamers. So, this we are ending the video. I know video is so lengthy. कितने मिनट की वीडियो बन गई है? 51 मिनट. Who is gonna see me for 51 minutes? I don't understand. Goodbye.